चलो यार सब्सक्राइब कर दो अपने इस YouTube चैनल को और क्लिक कर दो इस बेल आइकॉन पर ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके ब्रो, ओके। तो यार आज इस वीडियो में मैं राहुल आपके लिए लेके आया हूँ 20वीं सीरीज का नया कमाल धमाकेदार एपिसोड, जिसमें हम बात करने वाले कुछ ताजा तरीन बिजनेस और मार्केटिंग अपडेट्स को लेकर। आई होप सो वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में, तो वो निकल के आता है टेस्ला की ओर से। और टेस्ला के शेयर्स में 20% का राइज हुआ है ट्यूसडे को। पिछले काफी टाइम से टेस्ला डाउन जा रही थी, लेकिन एकदम से ट्यूसडे को 20% का राइज हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे का वैलिड रीजन क्या है, लेकिन आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस 20% के राइज की वजह से टेस्ला के शेयर्स में $100 बिलियन ऐड हुए हो, यानी कि उसकी वर्थ बढ़ी है ऑब्वियसली शेयर्स की। लेकिन अगर बात हम फैक्ट की करें तो ये जो 20% का राइज हुआ ये फरवरी 2020 के बाद सबसे ज्यादा माना गया है, यानी कि पिछले करीब एक साल से टेस्ला के शेयर्स में डेली राइज में पर डे के राइज में 20% तक का इंक्रीमेंट कभी भी नहीं हुआ था। बाकी आपको कैसा लगता है आप नीचे वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो वो निकल के आता है इलोन मस्क की तरफ से। और इलोन मस्क ने एक ही दिन में $25 बिलियन कमाए हैं, यानी कि इंडियन रुपीज के हिसाब से 18 अरब के आसपास उन्होंने एक ही दिन में बनाए हैं, यानी कि उनकी नेटवर्थ ऑब्वियसली बढ़ी है। काफी ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है, लेकिन आपको क्या लगता है आप नीचे वीडियो को लाइक करके डेफिनेटली बता सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो वो निकल गया था पेटीएम और ओला की तरफ से। पेटीएम और ओला फ्यूचर में पार्टनरशिप करने के बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं, डेस्परेटली सोच रहे हैं। और ये फ्यूचर में NUE यानी कि नॉन प्रॉफिट अम्ब्रेला एंटिटी के थ्रू डिजिटल पेमेंट सेक्टर में कुछ नया इनोवेट करने की सोच रहे हैं। जो कि आप UPI पेमेंट्स करते हो वे काफी हद तक कैसे सिक्योर हो सकती है, इनका ये हिसाब किताब रखेंगे और इन्हीं में से ही ये अपना प्रॉफिट निकाल। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो वो निकल के आता है रिलायंस जियो की तरफ से। और रिलायंस जियो के डायरेक्टर मिस्टर आकाश अंबानी ने अभी लॉन्च कर दिए हैं फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान्स, जिनकी वर्थ स्टार्ट होती है यानी कि कॉस्ट स्टार्ट होती है एक महीने की ₹901 के हिसाब से। आगे चलकर ये ऑब्वियसली बढ़ेगी जैसे डिमांड होती है बिजनेस की। लेकिन अंबानी का कहना है कि जो मैक्रो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होते हैं वो सिर्फ अपनी कनेक्टिविटी में 15,000 से 20,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेकार में पैसे जाते हैं एक बिजनेस के लिए। और अगर हम उनको यही सर्विस एक अफोर्डेबल प्राइस पे अपॉइंट करते हैं तो एक बिजनेस अपने लिए काफी ज्यादा कुछ नया इन्वेंट कर सकता है, और जो कि आगे चल के ऑब्वियसली हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी काफी ज्यादा सपोर्टिव होगा। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो हुरू ने अभी बिलियनर्स की एड को रिवील कर दिया है, यानी कि 2020 में जो भी बिलियनर्स एड हुए हैं उनकी लिस्ट को अभी यहां पर दिखा दिया, जो कि आपके सामने है, जिनमें 40 नए बिलियनर्स ऐड हुए, जिनमें अंबानी अभी भी टॉप कर रहे हैं। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में हर हफ्ते एक नया बिलियनर ऐड हुआ है 2020 के रिकॉर्ड में। और अगर बात पूरे वर्ल्ड की करें तो पूरे वर्ल्ड में हर वीक में 8 नए बिलियनर्स ऐड हुए हैं। दोस्तों फैक्ट की बात करें तो इंडिया में अभी करंटली 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से 177 बिलियनर्स हो चुके हैं टोटल। लिस्ट में आप अभी देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन अभी भी अंबानी ने ग्रैब की हुई है, सेकंड पोजीशन पर अडानी जी है और थर्ड पोजीशन पर HCL वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है आप नीचे कॉमेंट करके या फिर वीडियो को लाइक करके डेफिनेटली बता सकते। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो वो निकल के आता है क्रिप्टो करेंसी की तरफ से। और बिटकॉइन में US की बड़ी बड़ी फर्म्स ने फिर से इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो कि हाई सपोर्टर रहे क्रिप्टो करेंसी के शुरू से ही। इन्होंने 328 बिटकॉइंस को खरीदा है जिनकी वर्थ है $15 मिलियन। लेकिन बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी खबर की, तो वो आती है माइकल सेलर की तरफ से, जो कि CEO है माइक्रो स्ट्रेटजी के, जिन्होंने बिटकॉइन में $1.03 बिलियन, यहां पर मैं बिलियन बोल रहा हूं मिलियन नहीं, $1.03 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है 19,452 बिटकॉइंस को खरीदने के लिए। ये काफी ज्यादा सपोर्टर रहे हैं शुरू से ही, और इनका यही मानना है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको अपना पैसा सिक्योर करना है, आपने बिजनेस में ग्रो करना है, आपने फ्यूचर में ग्रो करना है, तो सिर्फ आपको क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये शुरू से भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी इन्होंने फिर से माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी के हिसाब से 19,452 बिटकॉइंस को खरीदा है, की वर्थ है $1.03 बिलियन। तो दोस्तों ये थे कुछ 20वीं सीरीज के ताजातरीन बिजनेस और मार्केटिंग अपडेट्स। आई होप सो वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक
कर सकते हो। वीडियो पसंद नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। अगर आपका कोई भी सवाल कोई भी सुझाव तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही बिजनेस और मार्केटिंग अपडेट से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।